निम्न दबाव की वजह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से चांडिल डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम का जलस्तर 182 मीटर के पार पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण डूब क्षेत्र के दर्जनों गांव में डैम का पानी घुस गया है। घरों के अंदर तक डैम का पानी पहुंचने के बाद विस्थापित अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ईचागढ़ के अलावा बाबूचा मदा डीआरडी के निचले इलाके में झापागोड़ा दयापुर इन स्थानों में डैम का पानी पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान डैम का जलस्तर 1 मीटर तक बढ़ गया है। जलमग्न होने की सूचना पर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो दलबल के साथ पहुंचकर ईचागढ़ गांव के ग्रामीणों से मुलाकात किए। हरेलाल महतो ने पीड़ित ग्रामीणों की समस्या पर दुख व्यक्त किया। स्थानीय विधायक है जो अभी वर्तमान में सीएम है, आपका चांडिल गांगुड़ी मैदान 2019 का चुनावी भाषण में बोले थे कि हम विस्थापित आयोग बनाएंगे, लेकिन आज तक ले कहाँ 5 साल उनका सरकार का पार हो गया, कहाँ विस्थापित आयोग बना, विस्थापित को कोई सुविधा नहीं मिला, ऊपर से अभी डुबा रहे हैं। स्थानीय विधायक है जो अभी वर्तमान में सीएम है, आपका चांडिल गांगुड़ी मैदान 2019 का चुनावी भाषण में बोले थे कि हम विस्थापित आयोग बनाएंगे, लेकिन आज तक ले कहाँ 5 साल उनका सरकार का पार हो गया, कहाँ विस्थापित आयोग बना, विस्थापित को कोई सुविधा नहीं मिला, ऊपर